हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की लास्ट अध्याय की, और आज का अध्याय है वैद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। आज उन्हीं सभी प्रश्नों का चर्चा करेंगे। क्लास को आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ने लगा होगा। फर्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, निर्वात में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है, यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट की वैल्यू दिया है, ई नॉट की वैल्यू दिया है 15 वोल्ट प्रति मीटर, 15 वोल्ट प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नॉट पूछ रहा है। चलिए सी की वैल्यू होती 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कह रहे बच्चों मैं आपके कमेंट में आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं। आज फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके नाम करता हूं और आप इस सवाल को लगाइए और 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं पहले बच्चों, और आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हमने इसी ऐसे ही सेम टू सेम सवाल से ही चर्चा किया था, शुरुआत किए थे। लगाइए जिन प्यारे बच्चों का सवाल का जवाब आ गया होगा उनके लिए एक प्यारा सा थैंक यू, और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी थैंक यू है, परंतु आइए वो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों अपने आप से पूछो क्यों नहीं आ रहा है, कहां हम गलती कर रहे हैं। चलिए तो बी नॉट पूछ रहा है। अब आपको पता है बी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन सी। चलिए ई नॉट की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है 3×10⁸, 3×5 15, 8 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5×10⁻¹⁸ टेस्ला। ये बी नॉट की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों, बी नॉट की वैल्यू आ गई। चलिए कितने जितने लोगों का आया होगा या जितने लोगों को कमेंट नहीं कर पाए होंगे वो लोग जवाब अपना जरूर मिलाइएगा कि क्या सही है या क्या गलत है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न भी आपको स्क्रीन, ये 2018 में 2 नंबर का पूछा गया प्यारे बच्चों। मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए, जो कि हमने पढ़ा दिया पिछले वाली कुछ वीडियो में, वहां से आप देख सकते हैं। प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 1.5×10⁻¹ टेस्ला है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट की वैल्यू दिया है 1.5×10⁻¹ टेस्ला। अब साथ में पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान और सी की वैल्यू 3×10⁸ होता है। फिर बच्चों इसके लिए भी हम काउंटडाउन की बात करते हैं। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, आप फट से लगाइए और देखते हैं कौन फास्ट रिप्लाई इसका कमेंट में करता है, देखते हैं फर्स्ट कमेंट किसका आता है इस पे। तो जिन बच्चों का आ गया होगा उनके लिए टॉप 10 क्लासेस की तरफ से एक प्यारा सा धन्यवाद है, और जिनका नहीं आया होगा उनको बहुत सारा धन्यवाद, वो लेके आए उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, ये नहीं ना आता रहे तब के लिए धन्यवाद, ऐसी बात नहीं है। अब हम करते क्या है भाई, आपको ई नॉट पूछ रहा है, हमारे पास एक अच्छा सा, आपके पास भी एक अच्छा सा फॉर्मूला पता है जो होता है बी नॉट अपॉन सी, बी नॉट अपॉन सी। अब बी नॉट की वैल्यू है 1.5×10⁻¹ और सी की वैल्यू है 3×10⁸। अगर हम बात करें पॉइंट हटा लें तो नीचे 10 लग जाएगा, 15/30 और ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, -8 और -8 हो जाएगा। ठीक 15×30 1/2×10⁻¹⁶ भाग देंगे तो 0.5×10⁻¹⁶। अब आप एक अंक उधर लेके जाएंगे तो 5×, वहां एक ज्यादा हो जाएगा, 16×1=17, और ये न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं,
अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम अर्थात ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू 150 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है तथा आवृत्ति जो है 50 मेगा हर्ट्ज है। कितना? 50 मेगा, मेगा को बदल दिए तो 10 घाते क्या हो गए, 6 हर्ट्ज। आगे कह रहा तरंग के दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, मतलब प्यारे बच्चों बी नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है तथा कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा का भी मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना प्यारे बच्चों? ओमेगा का मान ज्ञात करना। तो आइए हम सबको ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो बी नॉट होता है वो बी नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट अपान कितना होता है, सी होता है। ई नॉट की वैल्यू 150 है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ है। 3 50 से भाग देंगे तो आ जाएगा, तो बी नॉट की वैल्यू आएगी 50 × 10⁸। आप बदल सकते हो, 5 × 10⁹ भी लिख सकते हो या तो यहीं पर छोड़ दीजिए और टेस्ला लगा दीजिए। चलो अब हम बात करते हैं कोणीय आवृत्ति की। तो ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 2πf, परंतु एफ भी वहां आवृत्ति थी, यहां आवृत्ति आपकी न्यू दी है तो हम न्यू लगा लेंगे। 2π की वैल्यू रख सकते हैं 3.14 और न्यू की वैल्यू है 50 × 10⁶। प्यारे बच्चों अब हम इनको हल करेंगे। तो 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6.28 गुणित 50 × 10⁶ कितना, अच्छा ये पॉइंट काटेंगे तो अपान में 100 आ जाएगा। 50 × 50, 50 × 2 = 100 भाग दे देते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 गुणे 10⁶। 1 2 2 अंक इधर ले आएंगे तो 3.14, 2 अंक आप इधर ले आएंगे तो हाँ 2 ठो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 10⁴ रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ये ओमेगा की क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी। आप वहां से उसका उसको नोट कर सकते हैं या तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति, विद्युत क्षेत्र के दोलनों की जो आवृत्ति है वो न्यू इक्वल टू 2 × 10⁻¹० हर्ट्ज है। आगे तथा आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर है, यानी ई नॉट की वैल्यू कितना है, 30 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, आगे क्या कर रहा है, तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना। तो आप इसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपान सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 30 × 30 ही है ना, गुड़े तो नहीं है, बटे सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 3 × 10⁸। 3 × 10 = 30 हो जाएंगे तो ये 10 × 8 ऊपर चला जाएगा तो -8 होगा, 8 में से 1 कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10⁻⁷ टेस्ला। ये बी नॉट की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। आगे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की, 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की अर्थात लेमडा की वैल्यू 30,000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लें प्यारे बच्चों तो 10⁻¹० हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 यानी 4 पावर कम हो जाएगा तो 3 × 10⁻¹⁶ मीटर आएगा। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? आगे कह रहा हूं विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए और साथ में ये भी बताना है कि यह स्पेक्ट्रम के किस भाग में को प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं, तरंग की आवृत्ति अर्थात न्यू। ठीक, तो न्यू इक्वल टू हम जानते हैं सी अपान लैम्डा होता है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू है 3 × 10⁻¹। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा।
तो 10 घाते 8 और 10 घाते 6 जुड़ गए, 10 घाते 14 हर्ट्ज। तो जो आवृत्ति आई न्यू वो आई 10 घाते 14 हर्ट्ज। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई? साथ में पूछ रहा है कि यह किस भाग में आता है स्पेक्ट्रम के, तो प्यारे बच्चों ये स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में आता है, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में आता है। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में गतिमान है आकाश में किसी बिंदु पर, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इस बार चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान नहीं दिया बल्कि चुंबकीय क्षेत्र दिया है। बी इक्वल टू 1×10⁻¹⁸ टेस्ला और जो है जे कैप। जे कैप क्या बताता है जानते हैं? दिशा बता रहा है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होगा, यही आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं जो सी इक्वल टू होता है ई अपान बी, ई नॉट बी था, ई नॉट अपान बी नॉट था, ई अपान बी कर लिए। अब हमको ई चाहिए तो ई इक्वल टू हो जाएगा सी बी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बी। अब सी की वैल्यू होती 3×10⁸ और बी की वैल्यू होती 1×10⁻¹⁸। ये कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट प्रति मीटर। ये रहा प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6, बहुत सरल था। तो प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, तो संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा, यानी इन दोनों बैंडों का तरंग दैर्ध्य बताना है। प्यारे बच्चों आपको पहली आवृत्ति दी गई है, न्यून इक्वल टू दिया गया है 7.5 मेगाहर्ट्ज, और जो सेकेंड आवृत्ति दी गई है वो 12 मेगाहर्ट्ज है। फिर इनके लिए पहला तरंग दैर्ध्य λ1 और इनके लिए दूसरा वाला जो तरंग दैर्ध्य है λ2 ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों हम आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम पहली आवृत्ति की बात करें, पहली आवृत्ति के लिए तरंग दैर्ध्य, तो आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। पहली आवृत्ति के लिए तरंग दैर्ध्य, तो पहली आवृत्ति के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगा वो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, न्यू वन अपान क्या हो जाएगा सी, क्योंकि हमने पढ़ा लैम्डा इक्वल टू सी, सॉरी प्यारे बच्चों यहां आपने फार्मूला उल्टा हो जा रहा है, ये आपने पढ़ा ना न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा। अब आप लैम्डा चाहिए तो सी अपान न्यू हो जाएगा ना, ये ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू सी अपान न्यू। चलिए अब यहां पहले की बात होगी तो यहां 1 1 हो जाएंगे। चलिए सी की वैल्यू कितनी होती है 3×10⁸ और न्यू वन की वैल्यू 7.5 मेगा, मेगा को हम चेंज कर देंगे 10⁶ हर्ट्ज। तो प्यारे बच्चों अब इन्हें हल करेंगे तो 0.4 आएगा, जब आप इन दोनों को कैंसिल किए तो 0.4 आ गए प्यारे बच्चों। फिर यहां ये तो 10×10⁻² है, 6 कट गए तो 2 बचा है यहां पर प्यारे बच्चों। अब आप 10⁻² का इसमें गुणा कर दीजिए तो 40 मीटर आ जाएगा, तो यानी पहले के लिए जो तरंग दैर्ध्य आई है वो 40 मीटर आई है। अगर हम इसीलिए सेकेंड की बात करें या पुनः आवृत्ति या दूसरी आवृत्ति के लिए, तो दूसरी आवृत्ति के लिए, तो प्यारे बच्चों दूसरी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला हो जाएगा λ2 इक्वल टू सी अपान न्यू टू। चलिए सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, सी की वैल्यू है 3×10⁸ और न्यू टू, न्यू टू की वैल्यू सॉरी लैम्डा, हाँ न्यू टू की वैल्यू है 12 मेगा, मेगा को 10⁶। अब 3×4 1/4 बचे और यहां कट गए तो 10⁻², इन्हें भाग देंगे तो 0.25×10⁻² गुणा कर दीजिए तो 25 मीटर आएगा। तो भैया ये दूसरे के लिए तरंग दैर्ध्य आ गए 25 मीटर, लैम्डा वन की वैल्यू यहां, लैम्डा टू की वैल्यू यहां। ये रहा आपका 7वां नंबर प्रश्न, पूर्ण रूप से कंप्लीट।
बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 की। कल्पना कीजिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E नॉट, E नॉट की वैल्यू 120 न्यूटन प्रति क्या है कूलाम है तथा इसकी आवृत्ति 50 मेगा हर्टज है। 50 मेगा, मेगा को चेंज किए तो 10^6 हर्टज हो गए। फिर आपको इसमें सबसे पहला पोर्शन पूछा है प्यारे बच्चों, बी नॉट की वैल्यू पूछा है, फिर ओमेगा की वैल्यू पूछा है, फिर के की वैल्यू तथा साथ में लैम्डा की भी वैल्यू पूछा है। ये फर्स्ट भाग में पूछा है तथा सेकंड पूछा है ई तथा बी के लिए व्यंजक। ई तथा बी के लिए क्या पूछा है प्यारे बच्चों, व्यंजक पूछा है। ये चीज आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग आसानी पूर्वक से बी ओमेगा के लैम्डा ये सारी चीजों को आराम से ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों बी नॉट की वैल्यू। किसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, बी नॉट, फर्स्ट पोर्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई बी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट बटे सी। अब ई नॉट की वैल्यू 120 है और सी की वैल्यू 3^10^8 है। 40 तीन 120, ये ऊपर चले गए तो 40^-8 टेस्ला, ये बी नॉट की वैल्यू आ गई। अब इसी में आपका ये ए नंबर है, अब बी नंबर क्या है, ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा होती कोणीय आवृत्ति 2π न्यू, 2 × π की वैल्यू 3.14, न्यू की वैल्यू दी है 50 × 10^6। भाई आप ये कीजिएगा 50 × 100, 100 × 3.14 × 10^6, 6 और 2 मिलके हो गए 8, ये 10^2 हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 3.14 × 10^8 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, अब ऑप्शन, अब सी की चर्चा करें, के की वैल्यू, किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, के। तो के की वैल्यू होती है ओमेगा 5 सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3.14 × 10^8 और सी की वैल्यू होती 3 × 10^8, ये कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे 3 × 3 = 1.0, फिर आगे भाग देंगे तो 0 × 3 = 12, 1.04 लगभग के आएगा वैल्यू प्यारे बच्चों, के की वैल्यू आ जाएगी 1.04। अब हम बात करते हैं इसका जो डी नंबर पूछा है, क्या पूछा है, लैम्डा की वैल्यू, क्या पूछा है, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा होती है, लैम्डा इक्वल टू सी अपान न्यू होता है, लैम्डा इक्वल टू सी अपान न्यू। अब सी की वैल्यू 3 × 10^8 होता है और न्यू, न्यू की वैल्यू है 50 × 10^6, ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 × 10^2 और नीचे बचा 50, 10^2 मतलब 100, 3 × 100 / 50, भैया 10^2 को हमने 100 लिखा, 50 × 100 2 × 3 = 6, तो 6 मीटर आएगा लैम्डा की वैल्यू। ये रहा इस प्रकार आपका फर्स्ट का पहला दूसरा तीसरा चौथा निकाल दी। अब ई तथा बी के लिए व्यंजक, अब हम चर्चा करेंगे सेकंड पोर्शन की ई के लिए। तो ई के लिए व्यंजक लिखते हैं, ई के लिए व्यंजक। तो प्यारे बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ई के लिए व्यंजक पढ़ा था, ई इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए रख देते हैं फॉर्मूला पे वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई 120, ये साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने अभी निकाला प्यारे बच्चों 3.14 × 10^8, ये टी आ गया। ठीक, माइनस के, के की वैल्यू कितनी है 1.04 एक्स आ गए, ये ई की वैल्यू आ गई। अगर हम यही बी के लिए बात करें, बी के लिए व्यंजक तो क्या हो जाएगा, अब बी के लिए जो व्यंजक आएगा वो होगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए रखते हैं, बी नॉट की वैल्यू आपको निकाले हैं, आप बी नॉट की वैल्यू आपने निकाला है भैया 40 × 10^-8, ये साइन हो गए। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने अभी यहां निकाला है 3.14 × 10^ कितना है प्यारे बच्चों 8 है इंटू टी है, माइनस के, के की वैल्यू 1.04 एक्स, ये आ गया प्यारे बच्चों बी की लिए व्यंजक और ई के लिए व्यंजक।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज इन्हीं सवालों के साथ आज की लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।